आज हम दो मोबियस की पट्टियां बनाएंगे, एक में ट्विस्ट होगा और दूसरे में ट्विस्ट नहीं होगा। उसके बाद में हम उनकी टोपोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको रंगीन कागज़ की पट्टियां चाहिए होंगी, गोंद, सेलो टेप और कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले पीली पट्टी और लाल पट्टी को एक दूसरे में चिपका करके एक प्लस का चिन्ह बनाएं। उसके बाद में पहले वाले में लाल पट्टी को जोड़ करके एक छल्ला बनाएं। इसी तरह से दूसरे वाले में भी लाल छल्ला बनाएं। फिर पहले वाले में पीले छल्ले को भी चिपका दें, इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं होगा। दूसरे वाले में पीले छल्ले को चिपकाते समय उसको एक बल दें, एक ट्विस्ट दें 180 अंश का। इसमें अब सिंगल ट्विस्ट है। अभी देखिए, दाएं हाथ वाली में कोई ट्विस्ट नहीं है, बाएं हाथ वाली में एक ट्विस्ट है। अब हम लाल वाले छल्ले को बीचों बीच में काटेंगे तो हमको दोनों छल्ले नीचे नज़र आ रहे हैं, एक ही ओर हैं। उसके बाद में जिसमें ट्विस्ट है उस लाल छल्ले को काटते हैं तो एक लाल छल्ला ऊपर है और दूसरा नीचे है। अब हम दोनों के जो पीली पट्टियां हैं उनको मध्य रेखा में काटेंगे और काटने के बाद में हमको एक बड़ा चौकोर, एक वर्ग जैसा नज़र आएगा। इसी तरह से जब दूसरे वालों को भी काटेंगे तो उसमें भी एक वैसा ही चौकोर नज़र आएगा, पर इन दोनों में थोड़ा अंतर है। देखिए, ये पहला वाला है, इसमें आप देखेंगे जो पहले वाले में दोनों पीली पट्टियां लाल के नीचे हैं, या पर दूसरे वाले में जो पीली पट्टी है एक लाल के ऊपर है और दूसरी लाल के नीचे है। आप संभाल के देखिए, जो दाएं वाला है उसके अंदर दोनों पीली पट्टी लाल के नीचे हैं, पर इस वाले के अंदर देखिए एक पीली पट्टी लाल पट्टी के ऊपर है और दूसरी लाल पट्टी के नीचे है। इसका कारण यह है क्योंकि जो दूसरा वाला मॉडल था उसमें हमने पट्टी को एक ट्विस्ट दिया था, उसी कारण से इस टोपोलॉजी में यह फर्क नजर आएगा।